नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी YouTube फैमिली में 1,00,000 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, 1,00,000 लोग, और इसके लिए मैं आपको दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ मुमकिन हो पाई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही साथ कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करूंगा। मैंने कुछ सवाल इनवाइट किए थे जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे हैं, फेसबुक पे भी मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे पूछे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे पूछे हैं। उनमें से काफ़ी सारे सवालों को शॉर्टलिस्ट करके मैं यहाँ पर उनका जवाब देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स और एंड में एक अपील आप लोगों से करने वाला। अब दोस्तों, मेरे पास टोटल कुछ 150 सवाल के आसपास आए थे और इन 150 सवालों में से मैंने शॉर्टलिस्ट करके निकाले हैं 20 सवाल। कोशिश करी कि मुश्किल सवालों का मैं जवाब दूँ, मोदी जी की तरह आसान सवालों का जवाब दे के इस इंटरव्यू को सिर्फ एक नामचार का इंटरव्यू ना बना दूँ या नाम चार का क्वेश्चन आंसर सेशन ना बना दूं, अच्छे से मुश्किल सवालों के आपके सामने बैठ के जवाब दूं। तो दोस्तों, पहला सवाल पूछने वाले हैं कोवेलेंट गेमर। ये पूछते हैं इस सीज़न का सबसे ट्रेंडिंग सवाल, इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने कहा है कि क्या आप आम खाते हैं और खाते हैं तो कैसे खाते हैं। दोस्तों, यकीनन कोवेलेंट गेमर जी, मैं आम खाता हूँ, मुझे आम पसंद है, लेकिन मैं आम को मोदी जी की तरह नहीं खाता। मोदी जी तो कच्चा आम निगल जाते हैं, मैं आम को काट के और उसको स्लाइसेस में करके खाता हूँ। डेफिनेटली मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दोस्तों, कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसमें से नेक्स्ट सवाल ये है, सैयद अजीम पूछते हैं, डू यू थिंक UPA लेट कोएलिशन वुड फॉर्म गवर्नमेंट, हु इज़ द बेस्ट, राहुल, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, ममता मायावती, वॉट इज़ योर टेक ऑन केरला, डू यू हैव अ पेट्रियन। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात का और क्लियर अंदाज़ा जो है वो इस अगले चरण की फेज़ की वोटिंग के बाद पता चल जाएगा, 6th फेज़ के बाद अपन पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रेंड, रुझान किस तरफ ज़्यादा जा रहा है। हो सकता है UPA लेड कोएलिशन गवर्नमेंट आए और इसके काफ़ी ज़्यादा इस बार चांसेस भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी साउथ में अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टीज़ नॉर्थ रीजन में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, UP में, बिहार में अच्छा काम चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इस बार UPA लेड कोएलिशन आने के। साथ ही साथ PM पोस्ट की अगर आप बात करें तो पर्सनली मैं चाहूँगा कि या तो कोई साउथ से आए प्रधानमंत्री। अब आपका अगला सवाल जो कि ये है कि कौन बेटर है राहुल, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, मायावती में से PM पोस्ट के लिए। तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय अगर इसमें बताऊँ तो वो ये होगी दोस्तों कि कोई साउथ से या तो प्रधानमंत्री हमारा आए, क्योंकि साउथ में से कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है, लंबा समय हो चुका है, और ऐसे में स्टेट्स की एक अलग कंट्री की मांग उठने लग जाती है, कई बार एक विद्रोह हो जाता है, तो साउथ से प्रधानमंत्री आना इस बार ज़रूरी है। और अगर नहीं ऐसा होता तो किसी पिछड़े समाज का, SC ST समाज का अगर कोई प्रधानमंत्री आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि SC ST समाज की एक बहुत लंबे समय तक आवाज़ मैंने उठाई है, बहुत चैनल्स पर उठाई है, तो मुझे लगता है कि उस समाज से अगर कोई प्रधानमंत्री आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। पेट्रियन अकाउंट, उसके बारे में मैं आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों अमान खान ने, ही पूछते हैं पौरुष भाई, व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन पॉलिटिक्स। तो मैं यूट्यूब के अलावा अमान भाई सिर्फ यूट्यूब ही करता हूँ, क्योंकि मैं दिन की 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ आज की डेट में, तो और कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। बचे कुछ टाइम मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब भी कर लेता हूँ, लेकिन मेजरली मैं यूट्यूब पर ही होता हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं पहले कुछ काम करता था, अपना बिजनेस करता था, लेकिन अब पिछले 3 महीने से मैं फुल टाइम इसी चीज़ में आ चुका हूँ और फुल टाइम यूट्यूब में ही आ चुका हूँ, क्योंकि यूट्यूब से मुझे बहुत प्यार मिल रहा था और उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया ऐसा करने के लिए। बैकग्राउंड मेरा, मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पिताजी भी मीडिया बैकग्राउंड से थे और मैंने पढ़ाई भी उसी जगह पे करी है, मीडिया बैकग्राउंड की पढ़ाई करी है। मेरा पॉलिटिक्स में इंस्पिरेशन अगर आप पूछेंगे तो यकीनन अंबेडकर, लोहिया और गांधी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो हमारे देश के लिए किया, यकीनन वो बहुत बड़ा था हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी जो कुर्बानियाँ, सबसे बड़े बलिदान दिए हैं वो इन्हीं लोगों ने दिए हैं दोस्तों। आगे एक सवाल है, प्रणव चतुर्वेदी पूछते हैं कि विल यू क्रिटिसाइज़ कांग्रेस इफ़ इट कम्स टू पावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी हाँ, मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करूँगा अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो। अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो डेफिनेटली मैं ये काम करूँगा, और इनफैक्ट कांग्रेस ही नहीं, ये चैनल पर मैं आपको इस बात की गारंटी कर सकता हूँ दोस्तों कि जो भी सरकार आए, जो भी बंदा प्रधानमंत्री बने, चाहे कन्हैया कुमारी क्यों ना बन जाए, मायावती, अखिलेश, जो भी बने, उसको इस चैनल पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, क्योंकि ये चैनल जनता की आवाज़ के लिए है, ये चैनल लोगों की आवाज़ के लिए है, किसी से भी जुड़ के और किसी की पॉलिटिकल बेनिफिट्स को सुधारने के लिए नहीं है यहाँ पे हम बैठे। हम जनता की आवाज़ को, मैं जनता की आवाज़ को उठा रहा हूँ, अनबायस तरीके से सवालों को उठा रहा हूँ, वो मैं
करता रहूँगा और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पूरे तरीके से। अगला सवाल पूछने वाले हैं आयशा शम्स, ये कह रहे हैं कि इनका सवाल ये है कि डिड यू रिसीव एनी थ्रेट कॉल्स फ्रॉम एनी पार्टी। मेरे को थ्रेट कॉल्स तो एग्जैक्टली किसी पार्टी से नहीं आए, लेकिन मुझे हाँ धमकी भरे फ़ोन आ चुके हैं। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत बार धमकी मिल चुकी है, मुझे बहुत बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेरे बिज़नेस की, जो मैं बिज़नेस करता था उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रूडिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही थी। एक तरीके से मुझे काम करने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो तब से ही शुरू हो गई थी जब मैंने बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बनाने शुरू करे थे। अगला सवाल जो है वो है मृत्युंजय कुमार सिंह का। इनके चार पांच सवाल हैं लेकिन मैं एक ही सवाल इनका उठाऊंगा। सबसे पहला सवाल है जो कि पूछ रहे हैं कि क्या मोदी का बैलेंस, मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। तो डेफिनेटली मोदी का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है, क्योंकि एक से दूसरे से तीसरे पे जंप मार रहे हैं वो। पहले नेशनलिज्म के मुद्दे पे, फिर अपने अपोनेंट्स को उनके ऊपर कीचड़ उछालने के मुद्दे पे, और फिर अब फाइनली फिर दोबारा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे। तो ऐसे आदमी का मेंटल बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ चुका है और उनको अपनी हार जो है वो काफ़ी सामने दिख रही है। जब हार सामने दिखती है तो अच्छे अच्छे का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी के साथ इनके तीन चार सवाल और हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है तो इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप अगर मुझे वो सवाल भेजें लिख के इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैं उसका आंसर लिख के भेज दूँगा आपको। अमनदीप सिंह कह रहे हैं कि आपका दिल्ली में क्या चांस है। दिल्ली में चांस है, और अगर वो नहीं भी जीते हैं, उनका जो भी रहता है चांस यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा असेंबली इलेक्शंस में जो अभी आने वाले हैं थोड़े ही समय में। तो आपका चांस दिल्ली में थोड़ा सा ढीला हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं बन पाया। मुझे लगता था कि ये बन जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो आपका चांस कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जैसे अतीशी हैं, उनके सामने बिल्कुल घटिया मरियल हालत वाले गौतम गंभीर खड़े हैं, तो ऐसे लोग तो जीत ही जीत जाएंगे पक्का। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। असेंबली इलेक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी आती है, पूर्ण बहुमत में आती है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को लिटरली तंग करेगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं मोहम्मद आबिद हुसैन, ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू लीजिए कुमार श्याम का, राम पुनियानी का, सौरभ द्विवेदी का, राकेश शर्मा, प्रतीक सिन्हा, कुणाल कामरा, प्रकाश अम्बेडकर। सर बहुत जल्दी इंटरव्यू सेक्शन शुरू करूंगा अपने चैनल पे और सबका इंटरव्यू लूंगा, आपकी सारी दिल की तमन्ना को पूरा कर दूंगा एक बार में। अगला सवाल आ रहा है पिंकी जॉर्ज की तरफ से, डिड यू गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली और डू दे वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज समटाइम्स? विच पार्टी डिड यू वोट फॉर और डिड यू गो फॉर नोटा एज यू नो सो मच अबाउट सबकी करतूत? तो वोट मैंने किसको दिया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है वोट को सीक्रेट रखना। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे फैमिली में सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग भी इतने करेजियस हैं जितना मैं करेजियस हूँ, क्योंकि इतना करेज लगता है अपने फैमिली एक मेम्बर को इतना खुल के अगर वो बोलना चाहता है तो उसको अलाउ करने में भी एक बहुत करेज लगता है। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी करेजियस हैं, वो लोग भी बहुत हिम्मत वाले हैं और उनकी बहुत सपोर्ट मुझे मिलती है। मैंने किसको वोट करा ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने नोटा को वोट नहीं करा, क्योंकि नोटा को वोट करने का मतलब जहां मैं रहता हूं वहां पर बीजेपी को जिताना है। उसके बाद सप्तऋषि रे पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या सोचना है, और आप कलकत्ता जब आओगे तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा, रियली लाइक योर थिंकिंग, थैंक यू, आपने मेरे से मिलने की ऐसी अपनी इच्छा जाहिर करी, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलने के लिए कहते हैं मेरे काम की वजह से मुझे। पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल और ममता बनर्जी पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने एक सेंधमारी करी है, डेफिनेटली करी है, और सिटीज़न अमेंडमेंटशिप बिल से और NRC से इन चीज़ों के ज़रिए सब किया गया है। लेकिन कितना ये वोट परसेंटेज सीट्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि वोट परसेंटेज सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है इतनी आसानी से, बहुत बार इस चीज़ को देखा गया है पास्ट में। तो इस बार भी कितना हो पाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली वोट परसेंटेज बंगाल और उड़ीसा दोनों में बढ़ेगा बीजेपी का। सब ताए पूछ रहे हैं, SFTAE पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन, हाउ मच सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम फैमिली एंड नेबरहुड, अनभक्त, डू यू हैव एनी अनभक्त फ्रेंड्स, योर ओपिनियन ऑन कांग्रेस पार्टी, हाउ दे शुड इम्प्रूव। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल, मेरी एजुकेशन क्या है? मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है और मैं आपको अपनी डिग्री भी दिखाऊंगा अभी, मैं ये फर्जी वाला काम नहीं करूंगा स्मृति ईरानी की तरह। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि फैमिली और नेबरहुड से, जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली से फुल सपोर्ट मिली, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने किसी से नहीं ली कहीं पर भी चैनल को शुरू करते टाइम भी, लेकिन हाँ मैंने, मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट दिया, जो करेज वाइज उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, जो मुझे इमोशनल और मेंटल मुझे सपोर्ट दिया,
वो बहुत बड़ा सपोर्ट था, और मुझे लगता है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप बिल्ड कर लेता है आदमी। डू यू हैव एनी अनबक फ्रेंड्स? जी हाँ, मेरे अनबक फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन मेरे आसपास मेरे सर्कल में बहुत ज़्यादा अनबक लोग भी हैं, लेकिन हमारी ट्यूनिंग कुछ इस तरीके की है, मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरीके की है कि हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहती है हमेशा, हम लोग गुड नोट पे रहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता चीज़ों को लेके। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कुछ पुराने नेताओं को थोड़ा सा दरकिनार करें, थोड़ा सा जिनकी थिंकिंग अब मेरे को लगता है जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, उनको थोड़ा सा साइड करें। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ऐसे नेता और पार्टी के बारे में नहीं सोचते, उनको साइड करने की ज़रूरत है। जैकी शराफ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर एंडेवर फर्दर लेवल? मैं इस चीज़ को और फर्दर लेवल पर डेफिनेटली लेके जाना चाहूँगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहूँगा, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल एनालिसिस और लोगों की ओपिनियंस, जो लर्नेड लोग हैं जैसे राम पुनियानी जी का भी मैंने यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया था, उनके जैसे और लोगों के इंटरव्यूज़ लेना चाहूँगा और उनकी बातें जानना चाहूँगा, क्योंकि एनालिसिस से दोस्तों जो न्यूज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो फ्रैगमेंटेड वे में और डिकोडेड वे में आप तक पहुँचती है, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फूड इज़ गुड, पूछ रहे हैं आर यू एजुकेटेड? और स्मृति ईरानी, सर मैं स्मृति ईरानी जितना एजुकेटेड नहीं हूँ, क्योंकि स्मृति ईरानी ऑब्वियसली बिना इलेक्शन जीते HRD मिनिस्टर बन गई, तो वो तो बहुत हाई लेवल की अल्टीमेट है, मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ सर। उसके बाद रफ़ीक जमान पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल करियर? इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सपोज खुलिया बिल्कुल आपके सामने खुली किताब की तरह रख देता हूँ। मैं एक बिजनेस चलाता था आउटडोर एडवर्टाइजिंग का, और उसको बार बार चोट पहुँचाई गई, उसको बार बार उसके ऊपर वार किया गया, और जब तक वो बिल्कुल ख़त्म होने की या रुकने की कगार पे नहीं आ गया, तब तक BJP के लोग लगे रहे मेरे पीछे, और वो ये चीज़ करके ही माने। इनफैक्ट जो मेरा बिजनेस था वो भी मेरी एजुकेशन से रिलेटेड था, आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग। जर्नलिज्म में नहीं था मैं, क्योंकि मैंने मास कॉम जर्नलिज्म करी थी, मैं जर्नलिज्म में नहीं था शुरू से, लेकिन मैं मार्केटिंग साइड पे और मैं इसकी एडवर्टाइजिंग की साइड पे रहा। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट भी जो किया वो एडवर्टाइजिंग में ही किया था, तो एडवर्टाइजिंग करियर था मेरा, और बहुत 6-7 साल का करियर रहा है मेरा एडवर्टाइजिंग में। काफ़ी सीखा भी है मैंने और काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी गेन करे हैं उसमें, और बहुत ग्रेट फील्ड थी। उसके बाद रवि सूरज कह रहे हैं हेलो ब्रदर, टुडे और इन पास्ट मोस्ट ऑफ पीपल कॉल्ड पॉलिटिक्स एज अ बिग अब्यूज़, बट डिफरेंस इन प्रेजेंट इज़ मीडिया इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये कह रहे हैं कि जो मीडिया इन्वॉल्व हो चुकी है पॉलिटिक्स में, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, उसके बारे में मेरा क्या मानना है। डेफिनेटली मीडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है कि ये दो पिलर्स हैं अलग अलग, और ये दो पिलर्स जब साथ में जुड़ जाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि बैलेंस किस तरीके से ख़राब हो सकता है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें। उसके बाद सवाल पूछते हैं गुलाम रब्बानी, पौरुष ब्रदर आई ओनली वॉच योर वीडियोज़ एंड NDTV वीडियोज़, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। वॉट इज़ योर क्वालिफिकेशन? डू यू वॉन्ट टू बिकम पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर? एंड प्लीज़ अरेंज अ गेट टुगेदर इन दिल्ली, वी ऑल वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मैं आपके क्वेश्चन को लेकर ही यहाँ पर इस पर रिप्लाई कर रहा हूँ वीडियो में। सबसे पहले आपने पूछा कि मैं क्या बनना चाहूँगा, सबसे पहले मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले ज़रा मैं आपको, ये मेरी डिग्री पढ़ी है यहाँ पर, मैं ये डिग्री दिखा देता हूँ, ये मेरी डिग्री है, और क्योंकि मैं फर्जीवाड़ा नहीं करता, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में, लेकिन मैंने 2008-11 बैच से एमिटी से मास कम्युनिकेशन करा है, और मैं तब से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में, जब से मैं स्कूल से निकल गया था। तो ये मेरी डिग्री है यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए, ठप्पे वप्पे सब कुछ लगे हुए हैं, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मैं क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, और ये आप पास से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। मुझे नहीं पता कि कैमरा इस चीज़ को कितना फोकस में ले पा रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी 2011 में, मैं पास आउट हुआ था सेकंड डिवीज़न में, जैसे कि मैंने बताया मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं था कॉलेज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था सब चीज़ों में, और सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता रखता था, और बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से इन सब चीज़ों में। और उसके बाद ही जब स्पेशलाइजेशन आई तो मैंने आगे जाके चूज़ किया एडवर्टाइजिंग को, लेकिन जर्नलिज्म की भी मैंने पढ़ाई कर रखी है वहाँ पर। उसके बाद अगर आप ये पूछे कि अगला सवाल, अगर आप ये पूछे कि मैं पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर में से क्या बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहूँगा आगे चल के, नॉट अभी, क्योंकि
मैं इस चीज़ को इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ आगे चल के, क्योंकि दोस्तों अगर बड़े लेवल पे जनता के लिए कुछ आप करना चाहते हो, अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये है कि आप बड़े लेवल पे जनता के लिए कुछ करो, तो उसके लिए पॉलिटिक्स ही फील्ड है। जर्नलिज्म में एक दायरा हो जाता है, एक जगह पर आके आपको सीमित होना पड़ता है, या तो आप अपने आप को देख सकते हो या फिर आप लोगों को देख सकते हो। मुझे लगता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एंडलेसली लोगों के लिए काम करूँ, इस तरीके से लोगों के लिए काम करूँ कि मेरे बाद भी मुझे याद किया जाए सिर्फ इसलिए कि मैंने लोगों के लिए कितना काम किया। बस मैं इतना चाहता हूँ। उसके बाद एक मीटअप प्लान करें, डेफिनेटली दिल्ली में बहुत जल्दी एक मीटअप मैं प्लान करूँगा, और इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन अपने कम्युनिटी टैब पे यूट्यूब पे बहुत जल्द डालूँगा। उसके बाद प्रसन्न जमातिया पूछ रहे हैं, ब्रो आर यू मैरिड और सिंगल फ्रॉम त्रिपुरा? ये त्रिपुरा से पूछ रहे हैं। मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी हुई है, अभी एक साल भी नहीं हुआ है मेरी शादी को। मैं दिल्ली से हूँ, आप त्रिपुरा से हैं, बहुत लोग पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। उसके बाद एक अकाउंट है चौकीदार चोर है, ये पूछ रहे हैं आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट योर फेथ इन रिलीजन सिंस यू आर अ ब्राह्मण, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं सर, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करता, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। द रिलेशन बिटवीन आर्यन ब्राह्मण, हाउ मैनी गॉड्स डू यू बिलीव इन, डेथ एंड लाइफ आफ्टर इट, प्लीज़ सेटिस्फाई मी विद योर काइंड वर्ड्स, आई नो इट्स बिट टू मच आई आस्क फॉर। नहीं, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कि मेरे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। देखिए, मेरे रिलीजियस बिलीव्स सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक वो रिलीजियस बिलीव्स में रहते हैं, कोई अंधविश्वास में नहीं टर्न हो जाते। मैं भगवान से कुछ मांगने की कोई भी इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ अगर किसी रिलीजियस वे में किसी भी धर्म से जुड़ता हूँ, और वो सिर्फ हिंदू धर्म नहीं होता, मैं गुरुद्वारों में भी गया हूँ, मैं अमृतसर गोल्डन टेंपल भी गया हूँ, मैं बहुत सारी मोनास्ट्रीज में भी गया हूँ। की मोनास्ट्री है बहुत दूर यहाँ से, स्पीति वैली में जाके, मतलब ऑलमोस्ट चाइना के पास है, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। बुद्धिज़्म को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, हिंदुज़म को भी देखा है, और इस तरीके के मैं अगर बताऊँ तो इस्लामिक धर्म को भी काफ़ी करीब से देख चुका हूँ। तो मैं जितने भी धर्म हैं इनमें सिर्फ पीस वाली बातें, और पीस जहाँ तक मुझे मिलता है बस वहीं तक ही मैं सीमित रहता हूँ। उसके आगे अंधविश्वास की बातें, भगवान ये दे देगा, भगवान ने वो, भगवान ने ये, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने 84 करोड़ लोग कहते हैं देवी देवता हैं, और पता नहीं 86 करोड़, 42 करोड़, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ करोड़ों में देवी देवता हैं, मुझे नहीं पता। मैं सबको फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट भी नहीं करता। मुझे ये नहीं लगता कि मुझे कोई राइट मिल जाता है किसी के भगवान को भी गाली देने का, मैं नहीं करता। मैं उसके साथ पीस पे हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों, और एक दो सवाल और हैं इसके बाद हमारे पास, जो कि है चैनल 4 कह रहे हैं हाउ शुड एवरीवन फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज़ अराउंड पॉलिटिक्स एंड योर थॉट्स अबाउट द बायस्ड मीडिया चैनल ऑफ इंडिया। तो फेक न्यूज़ से हमारे को लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही औजार है, वो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि ऑल्ट न्यूज़ है, या ध्रुव राठी का चैनल है, या फिर सिंपल गूगल सर्च। आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो जो आप पढ़ रहे हो, अगर आपको वो चीज़ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको वो चीज़ ऑथेंटिक सोर्स मिलती है उसकी कोई, तो आप उस चीज़ को मानो, नहीं तो आप उस चीज़ को सिरे से नकार दो, उस चीज़ को ध्यान भी मत दो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आई हुई हर चीज़ को बिना क्रॉस चेक करे आगे मत करो, प्लीज़। उसके बाद इंडिया के जो फेक चैनल्स हैं और बायस चैनल्स हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ 2 मिनट का साइलेंस करना चाहूँगा, क्योंकि सीरियसली इन्होंने इंडिया की जर्नलिस्टिक जो आत्मा है उसको एक तरीके से मारने की कोशिश करी है। आगे एक अकाउंट है माही मीना, ये कह रहे हैं कि 53 स्टडीज सर्वेज आउट ऑफ 63 रिवील दैट एथीस्ट पर्सन फाउंड टू बी मोर इंटेलेक्चुअल दैन रिलीजियस वन, व्हाट डू यू से? अगर ऐसी कोई स्टडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने मुझे कमेंट में लिख के बताया, लेकिन अगर ऐसी कोई स्टडी है तो मैं वो स्टडी को पहले पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई स्टडी है तो उसमें कोई बात, कोई आधार रखा गया हो, कोई बेस रखा गया हो, उसके ऊपर बात करी गई होगी, और डेफिनेटली अगर कोई ऐसी स्टडी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उन्होंने समझाया गया होगा इस चीज़ को, लॉजिकली इस चीज़ को बताया गया होगा। साथ ही साथ ये बात कि जो लोग एथीस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं रिलीजियस वन से, क्योंकि जो एथीस्ट होते हैं वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बाद क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सवालों को पूछते हैं और चीज़ों को और जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इंटेलेक्ट लेवल वहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बट मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा सर्वे या स्टडी है मैं ज़रूर उसको देखूँगा। दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने सारे ले लिए जो जितने भी आपने बताए थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके क्वेश्चन ले लिए। अब मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अपने चैनल पे, 2 अनाउंसमेंट है अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो।
एक अनाउंसमेंट है टेक्निकल अपग्रेड की। मेरे चैनल पे एक टेक्निकल अपग्रेड हो गया है, आपने देखा होगा, एडिटिंग में बहुत सारे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। अभी वो कुछ ही वीडियोस में दिखेंगे, लेकिन आने वाले समय में वो हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मेरे नाम का बटन नीचे से आता है, ट्रांजिशंस और कुछ तरीके तरीके की चीज़ें, साथ में पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव हो गई होगी। मैंने कुछ थोड़ा बहुत साजो सामान ले लिया उसके लिए, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, तो इसलिए कुछ टेक्निकल अपग्रेड्स आपको देखने को मेरे चैनल पे मिले होंगे। अगर आपको मिले हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वो चेंजेस कैसे लग रहे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट जो मेजर अनाउंसमेंट है दोस्तों, क्योंकि क्राउड फंडिंग से ही हम लोग चल सकते हैं, तो पेट्रियन पे मैंने अकाउंट बनाया है, वहाँ जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो मुझे आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फ्रैंकली YouTube बहुत ज़्यादा पे नहीं करता, YouTube का जो पे आउट है वो बहुत ही मिनिमल होता है, शायद किसी की सैलरी भी नहीं निकल सकती प्रॉपरली। तो एक चैनल चलाना YouTube पे बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में। और आगे आने वाले समय में अगर मैं इसको एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल बैकिंग इस चैनल पे चाहिए, तभी ये सब पॉसिबल, तभी ये सब मुमकिन भी हो पाएगा। तो पेट्रियन पे जाके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। इनफैक्ट हर वीडियो की लिंक में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक होगा, वहाँ जाके आप मेरे पेट्रियन बन सकते हैं और मुझे कितना भी अमाउंट जो भी आप चाहते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और लास्टली दोस्तों, मैं आप सबसे सिर्फ और सिर्फ अपील करना चाहूँगा कि इस चैनल को 1 लाख तक पहुँचाए किसी भी तरीके से। अब इस चैनल को मैं मेहनत करूँगा, लेकिन आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, इसको 1 मिलियन तक पहुँचाइए। हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग हो तो ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है। आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि 1 मिलियन तक भी हम कब पहुँच जाएंगे हमारे को पता ही नहीं चलेगा। जैसे ये 1 लाख तक हम एकदम जल्दी जल्दी पहुँच गए, वैसे ही 1 मिलियन भी हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। आपका ये जो बंदा है ये पूरी मेहनत करेगा, ये मोदी जी जितना हार्ड वर्क तो नहीं कर सकता, वो तो 20-20 घंटे करते हैं, उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं होने देगा। जैसे कि मैंने बताया कि गारंटीड अनबायस न्यूज़ रखेगा, अनबायस ओपिनियंस रहेंगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उससे फिर सवाल पूछे जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके अगले माइलस्टोन तक पहुँचाइए, ये मेरी आपसे अपील है दिल से दोस्तों। अभी के लिए इस Q&A राउंड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, आगे आने वाले समय में और Q&A राउंड करेंगे, और भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जिनके सवाल रह गए उनके सवालों के भी मैं जवाब दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।